वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारे वीडियो नंबर 52 क्लास 11 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज के लिए, और हम डिस्कस कर रहे थे हमारा चैप्टर नंबर 12 टपल्स। और इस वीडियो में हम कुछ इनबिल्ट फंक्शंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो सिंपली आपका यूज होते हैं टपल को मैनिपुलेट करने के लिए। तो कुछ फंक्शन तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें आपका लेन फंक्शन को, तो लेन फंक्शन सिंपली आपका यूज होता है एक टपल की लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए, यानी कि आपके टपल के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं वो हम यहाँ पे पता कर सकते हैं लेन फंक्शन की मदद से। तो एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक टपल है p इक्वल्स टू, जिसमें हमने लिखा इसमें वैल्यू है 51, देन 17, देन आपका सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में हेलो, जो कि स्ट्रिंग टाइप है। तो सिंपली अगर इसकी लेंथ हमको यहाँ पे चाहिए तो प्रिंट में हम लिख देते हैं आपका लेन ऑफ p, तो इसके अंदर आपके तीन एलिमेंट हैं, तो सिंपली इसका रिजल्ट हमको यहाँ पे 3 मिलने वाला है। और जितना भी आप यहाँ पे लिखेंगे इनबिल्ट फंक्शन, ये सब के सब आपके लोअर केस में यहाँ पे आते हैं, भले प्रिंट हो, लेंथ हो या कोई और फंक्शन आप यूज़ करेंगे। तो अगला जो फंक्शन है वो है टपल फंक्शन। तो टपल फंक्शन ऑलरेडी आपको पता है, ये आपका यूज़ होता है किसी दूसरे सीक्वेंस से, जब हम कन्वर्ट करते हैं किसी दूसरे सीक्वेंस को आपका टपल में, यानी कि इसको हम इसकी जगह हम लिस्ट यूज़ करते हैं, इसकी जगह हम स्ट्रिंग से हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, और हम डिक्शनरी में भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, डिक्शनरी भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ये भी हम देखने वाले हैं। तो मान लीजिए हमने एक लिस्ट यहाँ पे ले ली, जिसमें हमने ले लिया 2, 8, 16 एंड हाई। तो इसको अगर हमने सिंपली कन्वर्ट करना है टपल में, तो मान लेते हैं एम नाम से हमने टपल यहाँ पे बनाई, और इसके अंदर सिंपली हमने लिख दिया टपल में आप कन्वर्ट कर दें पी नाम की लिस्ट को। तो सिंपली अगर आप इसको प्रिंट करते हैं, अगर आप यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एम, तो यही चीज़ जो अभी तक आपकी लिस्ट के फॉर्म में थी आपको टपल के फॉर्म में मिलेगी। पहचान इसकी क्या है, आपका पैरेंथेसिस या स्मॉल ब्रैकेट में आपको दिखती है, यानी कि 2, 8, 16 हाई। तो ये हम क्यों करते हैं, अगर हमको कोई लिस्ट है जो हमको चेंज नहीं करनी, तो उसको आप यहाँ पे टपल में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि टपल आपके अनचेंजेबल होते हैं। देन हम यहाँ पे लेते हैं कोई स्ट्रिंग, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया टूडे, तो इसको भी अगर हमने टपल में क्रिएट करना है, कन्वर्ट करना है, तो सिंपली हम लिखेंगे टपल और एस को हम सिंपली कन्वर्ट यहां पे करते हैं टपल की मदद से। तो अगर आप यहां पे प्रिंट करते हैं सिंपली के को, तो आपको रिजल्ट कुछ इस तरीके से मिलेगा। सबसे पहले टी, देन आपका ओ, देन डी, यानी कि इसका हर एक जो करेक्टर है वो एक एलिमेंट में यहाँ पे कन्वर्ट होता है। तो ये ऑलरेडी हमें पता है, उसी तरीके से डिक्शनरी से भी आप बना सकते हैं। अब डिक्शनरी देखिए, शायद आपको समझ में ना आए, क्योंकि हमारा डिक्शनरी जो है ये अगला हमारा चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर हम इसको डीप में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल डिक्शनरी भी आपका एक डेटा टाइप होता है, जिसके जो आपको यहाँ पर डिफाइन होता है कर्ली ब्रेसेस से, यानी कि कर्ली ब्रेसेस से हम यहाँ पर डिक्शनरी को डिफाइन करते हैं, पैरेंथेसिस में हम यहाँ पर आपका टपल्स को क्रिएट करते हैं, एंड आपका इस तरीके से हम यहाँ पर लिस्ट को क्रिएट करते हैं, और आपका सिंपली डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में सिंपली स्ट्रिंग को यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा टाइप है उसको डिक्लेयर किया जाता है। तो अलग अलग आपके डेटा टाइप हैं, तो यहाँ पे डिक्शनरी के लिए हम यूज़ करते हैं आपका सिंपली कर्ली ब्रेसेस, और इसमें जो आपके एलिमेंट होते हैं वो होते हैं आपका की एंड वैल्यू के फॉर्म में, यानी कि की हम यहाँ पे लेते हैं, की आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, इंटीजर हो या सिंपली आपका स्ट्रिंग हो। तो मान लेते हैं सबसे पहले हमने स्ट्रिंग के फॉर्म में यहाँ पे ले लिया सिंगल या डबल कोट्स में, एंड सिंपली इसमें हमने एक वैल्यू दे दी 45। देन अगेन, तो ये आपका एक एलिमेंट होता है डिक्शनरी के अंदर, इसको आगे हम डीप में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। देन कॉमा के बाद अगला हमने एक और की दे दी, फॉर एग्जांपल 21 यहाँ पे की है, एंड टुडे इसकी हमने कोलन के बाद वैल्यू दे दी। तो इस तरीके से दो ही मान लेते हैं इसके अंदर आपके एलिमेंट्स हैं फिलहाल इस डिक्शनरी के अंदर। तो अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एच, और एच नाम की जो यहाँ पे टपल मैं क्रिएट कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं सिंपली लिखता हूँ टपल हमने क्रिएट करना है डी से। तो सिंपली अगर आप प्रिंट यहाँ पे करते हैं एच को, तो इसमें रिजल्ट आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, आपका हाई एंड सिंपली नेक्स्ट आपका होगा 21, यानी कि इसकी जो की वैल्यूज़ होती है सिंपली उसको ये आपका टपल में एक एलिमेंट के रूप में यहाँ पे कन्वर्ट करता है, यानी कि जितने भी इसकी कीज़ होंगी, और भी अगर कीज़ होती तो उसको सिंपली ये टपल के फॉर्म में क्रिएट करता, और एक टपल उनकी क्रिएट यहाँ पे हो जाती है। तो आप डिक्शनरी से भी बना सकते हैं। अगला जो हमारा फंक्शन है वो है मैक्स फंक्शन। मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, इनको हम साथ ही में देखते हैं, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम अगर हमको फाइंड आउट करना है टपल में, तब हम इनको यूज़ करते हैं। मान लीजिए एक टपल हमारे पास है p नाम से, इसमें हमने ले लिया 21, 42, 16, 11 एंड 5। तो सिंपली एक टपल है, और टपल सॉरी आपकी आती है पैरेंथेसिस के अंदर। तो अगर हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं आपका मैक्सिमम इन p, एंड सिंपली प्रिंट हमने यहाँ पे करना है मिनिमम इन पी, तो सिंपली यहाँ पे मैक्सिमम आपकी वैल्यू है 42 एंड मिनिमम हमारी वैल्यू है आपका 5। अब यहाँ पे आपके जो टाइप हैं ये सेम होने चाहिए जब भी आप मैक्सिमम मिनिमम यहाँ पे यूज़ करते हैं, यानी कि अगर आपकी टपल कुछ इस तरीके से होती जिसमें होता है हेलो बी,
आपका स्ट्रिंग टाइप और होता है 41 इंटीजर टाइप। तो अगर आप यहाँ पे मैक्सिमम लिखते हैं पी में, इसको आप अगर आप निकालते हैं प्रिंट के अंदर, तो सिंपली ये हमको एरर यहाँ पे देता है, यानी कि सेम टाइप की वैल्यूज होनी चाहिए, भले वो सबके सब इंटीजर हों या सबके सब आपकी यहाँ पे जो स्ट्रिंग टाइप है वो भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल नेम्स हमारे पास हैं, मान लीजिए पी नाम की हमने टपल एक ले ली, इसमें हमारे नाम हैं करण, एंड मान लीजिए हमने लिख दिया अमित, एंड इसमें हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल कोई नाम, फॉर एग्जांपल बॉबी हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे तीन नेम हमने लिख दिया, इसको अगर हमने इनमें से सबसे बड़ा हम अगर हमने कैलकुलेट करना है, फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं प्रिंट में आपका मैक्स इन पी, एंड सिंपली प्रिंट में अगर हम लिखते हैं मिनिमम इन पी, तो मैक्सिमम यहाँ पे कैसे आएगा, मैक्सिमम आपका आएगा जिसका हाइस्ट यहाँ पे ASCII कोड होता है। तो यहाँ पे अगर हम तीनों को कैपिटल में मानूँ आपका के ए एंड बी, तो हाइस्ट यहाँ पे आपका होगा के का, यानी कि इसका जो ASCII कोड होता है, तो करण यहाँ पे आपका मैक्सिमम आएगा एंड मिनिमम आपका अमित यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ए का ASCII कोड सबसे कम होगा। आपको शायद ASCII कोड पता होगा 65 कैपिटल ए, एंड लोअर केस में अगर हम लिखते हैं तो 97 से स्टार्ट होता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि सिमिलर टाइप के आपका यहाँ पे डेटा होना चाहिए। देन अगला हमारा यहाँ पे है काउंट। तो काउंट जो है ये सिंपली आपका जिस तरीके से लिस्ट में काम करता है यहाँ पे भी सेम है, यानी कि लिस्ट के अंदर काउंट करता है कि कोई आपका एलिमेंट कितने बार यहाँ पे है। तो मान लीजिए यहाँ पे 2 को हमने काउंट करना है आपकी लिस्ट के अंदर, सॉरी आपके टपल के अंदर, तो इसको भी हम यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। अगर हम सिंपली लिखते हैं आपका p में हमने काउंट करना है, तो p डॉट काउंट और हमने काउंट करना है 2 को, तो सिंपली यहाँ पे आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ये आपका 2 है 1 and 2 टाइम्स, तो सिंपली इसका रिजल्ट आपको 2 यहाँ पे मिल जाता है। तो ये सिंपल से फंक्शन है जो ऑलरेडी आप यूज़ कर चुके हैं, तो उसी तरीके से आपके टपल में भी यूज़ होते हैं। तो ये कुछ फंक्शंस हैं, कुछ और फंक्शंस हमारे पास है उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आपका इंडेक्स फंक्शन, और इंडेक्स फंक्शन आपका सेम तरीके से काम करता है जैसा आपका लिस्ट में यहाँ पे काम करता है, यानी कि हमको इंडेक्स नंबर रिटर्न करता है। फॉर एग्जांपल पी नाम की हमारी टपल है जिसमें वैल्यू है 2, 4, 8, 2 and 16, तो यहाँ पे अगर हम सिंपली प्रिंट करते हैं आपका, हम देखते हैं पी के अंदर, यानी कि पी डॉट हमने लिख दिया इंडेक्स, और इंडेक्स हमको फाइंड आउट करना है सिंपली आपका 2 जो यहाँ पे वैल्यू है। तो इसका इंडेक्स नंबर फर्स्ट टाइम हमें जब भी मिल रहा है तो ये आपका इंडेक्स नंबर 0 पे है, तो सिंपली आपका रिटर्न ये कर देता है 0। और अगर आपका इसके अंदर नहीं होगा तो सिंपली आपको एरर यहाँ पे मिलती है, और वहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि आपको जो एलिमेंट है या वैल्यू है ये आपका इस टपल के अंदर नहीं है। तो इंडेक्स के बाद अगला है हमारा एनी। अब एनी जो आपका यहाँ पे फंक्शन या मेथड है, सिंपली आपका ट्रू एंड फॉल्स में उनको रिजल्ट देता है, यानी कि बुलियन रिजल्ट देता है, और ये चेक करता है कि आपके टपल्स में कोई वैल्यू है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये हमारी एक टपल है जिसमें हमने इस तरीके से क्रिएट किया, तो हमने टपल यहाँ पे क्रिएट करी, अगर हम प्रिंट यहाँ पे करते हैं और यहाँ पे देखते हैं एनी पी, तो यहाँ पे इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है, तो ये हमको सिंपली रिजल्ट यहाँ पे देने वाला है फॉल्स। लेकिन अगर पी के अंदर हमारी कोई वैल्यू यहाँ पे होती, फॉर एग्जांपल 5 है या 8 है या 16 है, इस तरीके से वैल्यूज़ हैं, तो अगर हम प्रिंट अब यहाँ पे करते हैं एनी एंड पी को, तो सिंपली ये चीज़ हमको यहाँ पे ट्रू देने वाली है। तो इस तरीके से सिंपली आपका एक टपल के अंदर एलिमेंट है या नहीं है, आप एम्प्टी जो यहाँ पे टपल है या आप टपल फंक्शन से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो ये भी आपको एक एम्प्टी टपल ही क्रिएट करने में मदद करता है। तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे सम। तो सम सिंपली आपका सम कैलकुलेट करने के काम आएगा, नाम ही इसका बता रहा है। मान लीजिए पी नाम की हमारे पास यहाँ पे टपल है जिसमें है 2, 4, 16, 8, तो अगर हम यहाँ पे सिंपली प्रिंट करते हैं और हम यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ पी, तो सिंपली इसका सम हमें यहाँ पे मिलने वाला है, इसका रिजल्ट हमें सम यहाँ पे मिलेगा, तो सिंपली आपको मिलेगा 20 and 30। तो 30 इसका आंसर है, लेकिन इसके अंदर सम में हमेशा आपकी जो वैल्यू है वो इंटीजर टाइप वैल्यू ही होनी चाहिए, यानी कि केवल ये आपका इंटीजर के साथ ही यहाँ पे काम करता है। देन हमारा अगला जो फंक्शन है वो है सॉर्टेड फंक्शन। अब सॉर्टेड फंक्शन सिंपली आपका सॉर्ट करने में मदद करता है, यानी कि एक सीक्वेंस में यहाँ पे हम अरेंज करेगा। फॉर एग्जांपल पी में हम लिख देते हैं 2, 1, 5, 7, तो सिंपली अगर हम प्रिंट करते हैं आपका सिंपली सॉर्टेड हमने करना है पी को, तो सिंपली इसका जो रिजल्ट हमको मिलेगा सॉर्टेड फॉर्म में वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिलेगा। अगर इसको हम प्रिंट करते हैं तो सिंपली आपको मिलेगा 1, then 2, then 5, then 7। देन आप यहाँ पे नेम्स को भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पी में हमारे यहाँ पे नेम है आपका अमित, एंड मान लेते हैं दीपक, तो ये तो मैं सॉर्टेड फॉर्म में ही शायद मैं लिख रहा हूँ, तो एक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चलिए बॉबी, तो यहाँ पे
ABC इस फॉर्म में अगर इसको हम सॉर्ट करते हैं, यानी कि अगर हम यहाँ पे प्रिंट में लिखते हैं आपका सॉर्टेड और हमने करना है P को यहाँ पे सॉर्ट, तो सिंपली यहाँ पे इसका रिजल्ट हमको मिलेगा सबसे पहले अमित, देन हमको यहाँ पे नेक्स्ट मिलने वाला है बॉबी, यानी ए टू जेड अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, देन हमको यहाँ पे मिलेगा दीपक। तो इस फॉर्म में हम इसको सॉर्ट यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो डेल यहाँ पे कीवर्ड है इसकी मदद से भी हम डिलीट करते हैं। देखिए आपका जो टपल है ये आपके चेंज नहीं होते, इसमें हम डिलीट नहीं कर सकते डायरेक्टली, यानी कि लिस्ट के अंदर आपने देखा होगा कि अगर हम इस तरीके से लिखते हैं 248, तो इसमें हम डेल और इंडेक्स नंबर की मदद से, यानी कि डेल हमने करना है फर्स्ट इंडेक्स नंबर से, तो ये पॉसिबल था आपके लिस्ट में, लेकिन टपल में आपका ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि अगर यही आपकी टपल होती कुछ इस फॉर्म में 4816, तो यहाँ पे अगर हम यही स्टेटमेंट लिखते हैं डेल P1, तो ये सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन डेल कीवर्ड की मदद से हम इस पूरी की पूरी जो टपल है इसको डिलीट जरूर कर सकते हैं। यानी कि इंडिविजुअल एलिमेंट हो, भले सिंगल या स्लाइसिंग की मदद से नहीं होता, लेकिन अगर हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं यानी कि डेल अगर हम लिखते हैं पी को, तो ये सपोर्ट करता है और ये पूरी की पूरी जो टपल है इसको ही यहाँ पर डिलीट कर देगा। तो ये कुछ फंक्शंस हमारे थे जो जिनकी मदद से सिंपली हम टपल को मैनिपुलेट करते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 53।